भाई नेटफ्लिक्स असुर के स्टाइल में एक सीरीज लाया हॉलीवुड में भाई, लिटरली हॉलीवुड इंडिया में कुछ नहीं लाया गया भाई, तो हॉलीवुड में लाया गया फिर आ द डार्क लाइट ऑफिशियल ट्रेलर जा काफी ज्यादा असुर स्टाइल में, मतलब लिटरली एक टीम बनाना, एक डार्क लाइट मतलब एक जानबूझ कर उस टीम में रिटूल्स में शामिल करना, एक फेक रिटूल्स जो दुनिया को बर्बाद करने के तली है, और उस रिटूल्स को शामिल करना और उन्हें बंदी बना के उनसे बहुत कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे करा देना, बेसिकली द फेरा द डार्क लाइट का ट्रेलर में यही दिखाया गया। और लिटरली मतलब फेरा एक जगह का नाम है, बेसिकली वहां से आदमी को गाइव करना और उनके रिटूल्स, एक फेक रिटूल्स और मतलब एक अनकहीं रिटूल्स, और उन्हें एक नया बर्थ मार्क देना, एक बर्थ नेम देना, एक रियल नेम देना, लिटरली उनके बाद उन्हें एक टीम को क्रिएट करना, मतलब एक दुनिया को क्रिएट किया जा रहा है एक अलग वर्ल्ड में ले जाके। तो फेरा बेसिकली एक जगह का नाम होने के कारण उस जगह से उस आदमी को गायब किया जा रहा है, अगर वो रिटर्स को नहीं मानते तो उसे मार दिया जाता है, अगर वो रिटर्स को मानते हैं तो उनके सर्टेन टाइम के बाद फिर उसको मार दिया जाता है। तो कहने की कंटेंट दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स इस बार अच्छा सा एक क्राइम थ्रिलर सीरीज लेके आ रहा है, जबकि इंडिया में सोनी लिव पर असुर आया था, लिटरली सी थोड़ा सा इंस्पायर्ड कहानी था, बेसिकली एक नया वर्ल्ड बनाने की क्रिएशन चालू हो रही थी। इसमें फेरा में भी द डार्क लाइट में भी यही चीज को दिखाने की फुल ऑन कोशिश की गई, एक नया वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, और लेकिन इस वर्ल्ड में जो दर्द है दुख है उसे खत्म करके वहां और भी ज्यादा दर्द, मतलब इतना एक्सट्रीम दर्द कि ये दर्द आप उसके सामने कुछ ना लगे, ये दर्द आपको लगे ये मसाज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं द फेरा डार्क लाइट ऑप्शन ट्रेलर देख के नेटफ्लिक्स पर इस तरह के आप एक ब्यूटीफुल मजाक ले सकते हैं, एक ब्यूटीफुल कहानी ले सकते हैं, और लिटरली एक महीना बाद इसकी कंटेंट आपको धूम मचा के आने वाली है, और 28 जनवरी को भाई नेटफ्लिक्स दिखाने वाला एक ब्यूटीफुल कंटेंट द फेरा द डार्क लाइट, मतलब इस तरह के जो मैंने ट्रेलर देखा ना स्टार्टिंग में लगा कि क्राइम मिस्ट्री मर्डर का होगा, लेकिन नहीं, ये एक अलग ही वर्ल्ड का है, एक अलग ही कंटेंट का है, ये एक अलग ही एक लिटिल बिट कंटेंट का है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कंटेंट देखने के लिए नेटफ्लिक्स एक नंबर पर माना जाता है, और लिटरली इंडिया में तो नेटफ्लिक्स ने अपना रेट को गिरा दिया है, इस कारण से फेरा लाइट डार्क लाइट को आपको देखना आपकी अब थोड़ा सा हक बनती है, एक ब्यूटीफुल कंटेंट बनता है। तो कैसा लगा आपको फेरा डार्क लाइट का ऑप्शन ट्रेलर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, सही ब्लॉग्स को तो मिलते हैं। Bye-bye.